कहा, जब हमने वहाँ देखा कि मेरी पर्स गिर गई, हमने कहा जो भोले बाबा अगर मेरी पर्स मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो मैं तो अभी क्या नहीं मिला है, पैसे नहीं, अभी पैसे नहीं मिले। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं थाने, अभी वो भैया जो हैं जिनका बैग है वो अभी आ रहे हैं हमारे साथ में। तो ये पूरा एप्लीकेशन आप लोग देख सकते हैं, पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, इसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं हमें पता, अरे नहीं आप घबराओ नहीं। तो बैग मिल गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, शुक्रिया शुक्रिया, मदद करत रहा हूँ। गरीब की बात समझो, अमीर की बात समझो, इंसान की मतलब हर इंसान, भगवान तुमका दुआ दे, हमारी उम्र लग जाए तुमका। Hey, so guys, welcome to my new blog, मेरी नई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक और मस्त होंगे। कल दोस्तों मैंने एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें एक बैग गिर गया था, तो वो भैया को वीडियो मिल चुकी है और वो वीडियो देख करके हमारे घर आ चुके हैं और अभी उन्होंने मुझे एक नंबर से फ़ोन किया है और शायद देखिए उन्हीं का नंबर आ रहा है फिर से। तो हम जा रहे हैं और वो बैग उनको हैंड ओवर करेंगे और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा कंटिन्यू दिखाएंगे और उनसे जानेंगे कि ये बैग आपका ही है या किसी का। तो बने रहिए, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो, तुम्हारे भोले बाबा ने हमारे समझ सुन ली है, बैग मिलने वाली है। हाँ, वो भैया के पास में बैठे हैं, आप ये पहले बताओ जो भी है उसमें जो भी कुछ वहाँ से रखो वो चीज़ बताए। हाँ ठीक है, जितने पैसा तुम्हारे हो, जो भी बैलेंस तुमने रखो, जो भी तुम्हारे मतलब साड़ी आड़ी जो भी कुछ हो वो बताए दो। ठीक है, हेलो, हाँ भाभी बोलो। हाँ, आपका क्या क्या सामान था उसमें? उसमें सामान है, पैसे हैं। पैसे कितने थे? हैं 7-8 हज़ार रुपए। अच्छा, और क्या था? और उसमें कपड़े हैं बच्चन के। हाँ, बच्चे के कपड़े। और क्या था खाने पीने का? खाने पीने की नमकीन। हाँ, और शैम्पू भैया का। हाँ, पाउडर है, निपुण है। हाँ हाँ, सामान सस्ता है। और बताइए, हाँ आपके कितने जोड़ी कपड़े हैं, मतलब कितनी साड़ियाँ हैं लगभग? 3 साड़ी हैं। हाँ, और 3 पेटीकोट हैं। अच्छा, हाँ, और 4-5 ब्लाउज हैं। और बैग में पर्स कितने हैं? एक छोटी पर्स है बैग में। कौन से कलर की हैं? गुलाबी कलर। हाँ ठीक है, अब देखिए मैं बता दूं आपको कि आपका बैग मिल गया लेकिन हमें खुली अवस्था में मिला था, हमने उसका वीडियो भी डाला है। और ब्लैक राम में आपका क्या कॉन्टेक्ट है? ब्लैक राम में हमारे भाई साहब लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा, ब्लैक राम में आपका मतलब उसमें एक रसीद निकला है सोने चांदी की दुकान का, तो वो हमने क्या किया है कि वो हमने अभी पता करवाया है। अच्छा। तो उसमें और मतलब नाम उस पर जो दिया गया है वो नाम है राजू सिंह। राजू सिंह किसका नाम है? वो भाई साहब लेके गए होंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, आपका बैग मिलेगा और यहाँ सुरक्षित है। और अभी नहीं नहीं ठीक है, उसी में रसीद निकला है उससे, मतलब ये केवल यही आपका पता निकला था तो उससे हम पता करना चाह रहे थे, या तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर होता तो हम फोन कर देते, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश करी है। हमने उधर, कहाँ घर पड़ता आपका? यहाँ कुतुबनगर के पास हुसैनपुर पड़ता है। अच्छा, हुसैनपुर पड़ता है। तो हमको जैसे सूचना मिली मैंने उसका वीडियो भी डाल दिया यूट्यूब पे, बैग का बना के डाला है। अच्छा, हाँ देसियंस चैनल है, उस पर आप अभी देख सकते हो अपना बैग, क्या आपका वही बैग है? और बैग मैं भैया के दे दूंगा। ठीक है तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। देखिए ये भैया जी आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि बैग हमारा है, तो हम पूरा इंक्वायरी करके बैग इनको दे देंगे और ये आ चुके हैं। और बढ़िया बात है कि ये 24 घंटे के अंदर हमने बैग को जहां था वहां हम पहुंचाने का पूरा प्रयास किए हैं। तो वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम चल रहे हैं, देखिए हमारे मोहल्ले में भीड़ तो लग ही गई है क्योंकि देखो कोई बात अगर होती है तो भाई अभी सभी लोग आ जाते हैं। कल जो लोग मौजूद थे, चाचा जी को हमने बुलवा लिया है
और इन्होंने ही बैग को सुरक्षित रखा था, लेकिन बंद अवस्था में उसके बाद में बैग खोला गया था। और ये सभी लोग हमारे साथ में हैं, हम भैया को लेके चलते हैं जहाँ बैग है इनका, यहीं पड़ोस में, तो हम चल रहे हैं। आइए भाई, आओ चलें, बैग दिलवाएं चल के। तो इधर आप देख ही सकते हैं, भैया का बैग हम दिलवाने जा रहे हैं जहाँ पर हमने सुरक्षित रखा है, पड़ोस में ही, और उसको देखेंगे कि क्या इसमें है और क्या नहीं है, तो हम आपको लेके चलते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कंटिन्यू रखिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये देखिए बैग है, बाकी सुरक्षित बैग रख दिया गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, इतला हो चुका है थाने। हाँ, अच्छा, वो खुद इतला हो चुका है, विधायक बुलाई लो और बापक बुलाई लो और थाने वाले ने कही है। अच्छा अच्छा, भैया का नंबर आधार कार्ड लेंगे। हाँ, वो तो हम करें, तो वीडियो डायरेक्ट बना रहे, जाएंगे कहाँ, कौन कह रहा है? अब है वो तो है, सुने ना तुम, तो हमारे घर में धरी है तुम, हम ये के हम धरी नारायण की लड़का मनाई है, हम का करिए हैं, हम भैया तुम्हारे आगे खुशामद कर रहे हैं कि भैया देखिए पूरा प्रूफ शुरू से आखिरी तक है, ये कहीं जाएंगे नहीं, बैग इन मतलब बात हो चुकी है। तो किसने मतलब पुलिस को फोन किसने किया है? फोन जो करी नहीं है तो खुदा भैया, तो हाँ बुलाओ, ठीक है, ये तो हम तो चाह ही रहे थे पुलिस बुला दी। तो देखिए बैग अभी थोड़ा रोका जा रहा है क्योंकि पुलिस को बताया गया है, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, पुलिस आएगी, बैग दिलवाएगी, क्या क्या रहा होगा तो वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो में, कोई बात नहीं। अब ये बैग उठा के हम लोग जा रहे हैं थाने, और ये वहाँ प्रूफ दे देंगे, और ये देखिए बैग लेके। तो अभी इस बैग को भैया तुम चलो फिर थाने आए। हाँ, इनको अभी हम थाने बुला रहे हैं क्योंकि थाने में तहरीर दे दी गई थी, तो इस वजह से ये सामान इनको हम नहीं दे सकते, और वहाँ सूचित करके ही हम इनको वहाँ देंगे, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा भी व्यक्ति हो सकता है, तो ये सामान हम देखो बाइज्जत जो भी है हम लिए जा रहे हैं, और थाने में इनको हैंड ओवर कराया जाएगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा दिखाते हैं। चलो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं भाई, और उनको हमने भेज दिया है, और हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और जाएंगे थाने, और वहाँ उनको भैया का बैग दिलवा देंगे। अगर उनका होगा तो थाने में कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको पूरा करके हम लोग उनको बैग दिला देंगे। हम जा रहे हैं, हमारे साथ में बाबा हैं और विधायक भैया हैं, और ये बाबा हैं और ये बैग है, तो चल रहे हैं साथ में। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको थाने पहुंच करके पूरा बताते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं थाने, अभी वो भैया जो हैं जिनका बैग है वो अभी आ रहे हैं हमारे साथ में, और हम यहाँ थाने आ चुके हैं। और देखो ये सभी लोग आ गए, विधायक भैया, सुनील भैया भी आ गए, सुनील भैया भी आ गए हैं, बाबा आ गए हैं, और ये देखो ये आ गए हैं थाने में, और जो भी होगा तो हम आप लोगों को बताते रहेंगे, और उनका सामान अगर उनका होगा तो उनको दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू रखिए, हम आपको पूरा दिखाते रहेंगे, कोशिश रहेगी तो हम कैमरा अंदर भी ले जाएंगे, अगर नहीं अलाउ होगा तो हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम देखो भैया जी के साथ में यहाँ आ चुके हैं, और ये देखिए इनको फोटोकॉपी करवा लिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए, वेरीफिकेशन के लिए कि बैग इन्हीं का है, और भैया से हम यहाँ एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं इधर, और ये भैया जी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और ये एप्लीकेशन वहाँ जमा करनी होती है, और एप्लीकेशन जमा हो जाएगी, भैया को सामान प्रोवाइड करा देंगे। और वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा अंत तक दिखाएंगे, अगर इतना समय दिया है तो थोड़ा और समय, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होती है, बिना इन्वेस्टिगेशन के ये सामान इनको हम नहीं दे सकते, और इनको सामान आप लोगों के सामने ही हैंड ओवर किया जाएगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, ये भी आ चुकी हैं, अब ये इन्हीं का बैग था, तो अब अपना सामान दिखा दो, क्या क्या इसमें मतलब है, वो ऐसे निकाल के रख दो यहाँ पे। सब निकाल के बाहर रख दो ऐसे। हाँ, कल की वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाया था कि यही बैग था, और ये आ चुकी हैं, इन्हीं का बैग था, और ये जो सामान कल मिला था वो अभी आप इसमें देखेंगे, और ये हाँ वो बाद की बात है, पहले सामान अपना देख लो। पैसे भी मिले हैं, पैसे भी मिलेंगे आपके। हाँ, कपड़े देख लो, और कोई सामान जैसे है जो भी आपका है। अब ये भैया आ चुके हैं, ये छोटा सा भैया था गोदी में, आप देख लें, ये छोटा सा था भैया था, और इसी वजह से कुछ धोखा हो गया, बैग फिसल गया था,
तो खैर कोई चिंता की बात नहीं, बैग इनको सुरक्षित दे दिया जाएगा, आप लोग देख ही रहे हो। और इधर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है, वो करवा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए, फिर मिलते हैं। अभी दो दो साड़ी हैं, हाँ उनको उन्होंने फोन से बता दिया था, हाँ फोन से बताया था कि मतलब फिर भी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ मतलब सूचना हो गई थी, ये सब सामान निकला था इसमें। कितने पैसे? हमारे पर्स में 7,000 थे। हाँ अच्छा, उसमें 7,000 रुपये थे, ये कह रहे हैं 7,000 रुपये थे, लेकिन जो भी निकले हैं वो तुम्हें इसमें मिलेंगे जो भी हैं। हेलो, और कुछ खर्चा जैसे खर्च वर्च भी रास्ते में अगर जैसे हो गए हो तो अपना इक्वल बता दो, जैसे वो कितना 700 रुपये, 7,000 में 700 खर्च हुए हैं। हाँ तो सही, हाँ तो वही आंकड़ा निकला है, कोई आदमी को इक्वल नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं हमें पता, अरे नहीं आप घबराओ नहीं, मिलता ही नहीं। हम लोग बस सिर्फ ये ना सोचना कि हम लोग यहाँ आपको इसलिए बुलाए भैया, हमने सिर्फ अभी कल को आप सुनिए दीदी, आप सुनो, देखिए अगर कल को अभी कोई दूसरा आ जाता कहता कि बैग मेरा है तो हम क्या किसको क्या देते, क्योंकि मैंने तो वीडियो अपलोड करी थी, सही बात, और नंबर भी दिया है, वो कहेगा हमारा सामान, तो इसलिए यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप हमारे साथ रहे, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन है, जो एक कॉपी हम अपने पास रखेंगे, एक थाने में दे देंगे और एक इन लोगों को दे देंगे, तो बने रहिए वीडियो में और आपको दिखाते हैं। बच्चा अगर लग जाता, नंबर बता दो, सिक्स। तो ये दी गई है और ये फिर उनका इनका दस्तखत भी करवा दिया गया, और ये भैया का दस्तखत करवाया जा रहा है, और अब इनको सामान दे देंगे और बस फिर उसके बाद में निकलते हैं घर की ओर। हम लोग वीडियो को कंटिन्यू रखिए और बने रहिए वीडियो में। देखो बाबा जी दस्तखत करेंगे, यहाँ पर देखो गवाहों के सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पर जिसने मतलब कंप्लेन करी थी, तो दोस्तों हम भी यहाँ पर सिग्नेचर करे दे रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, थोड़ा नीचे पकड़ लो, हाथ हटाओ, ये तो दोस्तों हमने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया है, और भी एक दो लोग होंगे तो उनके भी करवा दीजिए यहाँ पर। तो ये पूरा एप्लीकेशन आप लोग देख सकते हैं, पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, इसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ भी सकते हैं क्या क्या साफ साफ लिखा है पूछ करके, और अब इसका हम लोग फोटो कापी करवा लेते हैं और बस जमा करते हैं, तो बस वीडियो में कंटिन्यू रहिए। देखो ये खा रहा है बच्चा, और इसी का देखो किस्मत की बात है, ये गिर गया था इसका कल, इस बच्चे का ये कल गिरा था और आज ये खा रहा है, देखो किस्मत की बात है। और ये देखो खुश भी हो गया कितना, ओए अरे मुझे दे दो ना, दे दो दे दो, दे दो मुझे, हैं लाओ दे दो दे दो दे दो, मेरा है ये, तो ये सब चीजें थी। इसमें एक नया भी कपड़ा निकला था, तो बैग मिल गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, और मैंने बहुत जगह कांटेक्ट किया और बहुत जगह मतलब पता भी किया कि कैसे पहुंचेगा, तो फिर इसको अभी 24 घंटा नहीं हुआ है मुझे प्राप्त हुए, और मैंने बैग आपका आपके पास पहुंचा दिया। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों को लकी हो भैया, भैया आप जैसा परिवार सबका मिले, और क्या शुक्रिया, आप लोगों की जैसी मदद करत रहो, और गरीब की बात समझो, अमीर की बात समझो, हर इंसान की मतलब हर इंसान भगवान तुमका दुआ दे, हमारी उम्र लग जाए तुमका, और क्या। चलिए ठीक है, आप लोग बस ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहिए, बस इसके लिए क्या बोले, थैंक्स। यही कहा जब हमने वहाँ देखा कि मेरी पर्स गिर गई, हमने कहा जो भोले बाबा अगर मेरी पर्स मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो मैं तुम्हारी पूजा करना नहीं, पूजा कभी नहीं करूंगी। नहीं तभी तो भाई भोले बाबा ने आपकी सुन ली और बैग हमको वहाँ पर प्रोवाइड हो गया, हमने आप सोचा उसको सुरक्षित रख दिया, 24 घंटा नहीं हुआ, अभी 3 बजे देखा था, 5 बजे ये बैग जो है मुझे ही प्राप्त हुआ था, 5 बजे के करीब, और ये बैग मेरी 3 बजे गिरी, हाँ 3 बजे के करीब, हाँ मतलब हम काफी दूर निकल गए, जो 5 बजे अपने उधर पहुँचे तब देखा।
तीन कॉपी, तो एक कॉपी मैं अपने पास रख लेता हूँ, एक कॉपी भैया जी को दे दूंगा और ये वाली कॉपी यहाँ थाना में जमा हो जाएगी, ताकि कोई ये दावा ना कर सके कि ये सामान जो मैं इनको दे रहा हूँ ये मतलब किसी और का है। इसीलिए मतलब ये इन्विगेशन होता है तो हम लोगों ने यहाँ पर करवा लिया है और चलते हैं, वीडियो में कंटिन्यू रहिए। सामान को प्रोवाइड करते हैं, इनको देते हैं, बैग दे दिया है और ये देखिए बैग और सारा सामान मिल गया आपको या ये वाला? अभी क्या नहीं मिला है? पैसे नहीं मिले अभी। अभी अंदर पैसा है इनका, हम वहाँ दिलवा देंगे और आप वीडियो में बने रहिए और आप लोगों के सामने ये सारा किया जाएगा। गाड़ी दे रहे ना, तो कौन आप कौन है इनके? तुम कौन हो? हमारे हम भाभी हैं। अच्छा अच्छा भाभी हैं, तो भैया यही ये भाई हैं, आ जाओ इनके। तो ये भैया हैं इनके और ये भैया और ये देवर जी हैं और ये देखो सामान इनको हम लोग यहाँ हैंडल कर रहे हैं और ये पैसे इनके हैं। पैसे दे दो, ठीक है, तो ये अपना गिन लेंगे, जितना पैसा हुआ था वो हमने इनको दिलवा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरा आप खुश हैं आप? तो ये सब पूरा सामान आप लोगों को मतलब हम लोगों को वहाँ मिला था, हमने आप लोगों को यहाँ मतलब थाने को साक्षी मान करके हम इनके सभी के सामने आपको यहाँ हैंड ओवर करते हैं, ठीक है? आप कोई दिक्कत तो नहीं है बाद में, जैसे कोई है पूरा पैसा है? चलिए ठीक है, मिला, चलो कोई बात नहीं, अब इतना जो भी है ठीक है, जो निकला उन्होंने ईमानदारी से दिया जो भी है। तो अब देखो ये पूरा सामान है जो भैया को, ये देखो सुनील भैया हैं और ये इन्हीं लोगों के सामने थाने में हमने हैंड ओवर करा दिया और ये देखो मिल गया, तो खुश हैं आप लोग? ठीक है, तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोग हमारे साथ में वीडियो में बने रहे, भैया का सामान मिल गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी जोरदार और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।